चपाती। तो गाइस मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया कि हम लोग जूही चपाती गए थे, वहाँ से ये जगह कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बेहतर है थोड़ा नज़ारा। आप लोग बोरिंग नहीं हो पाओगे यहाँ आओगे तो। बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पर। हम लोग आके यार ऐसा आए तो हम लोग को बोरिंग फील नहीं हुआ, फिर भी हमें बेटर लगा ये जगह कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, आप लोग देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए आप लोग यहाँ बोरिंग फील तो नहीं होगा। एक बात मैंने आप लोग लिख के दे रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ आने के बाद और इन्जॉय करने के लिए जगह बेटर। अभी हम लोग जाएँगे सामने की तरफ, हम लोग इस साइड जाना है और अभी हम लोग यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट रुके थे और हम लोग जाएंगे आए थे इस साइड से। सो गाइस अभी जाएंगे हम लोग इधर ऐसे होकर निकल जाएंगे, तो चलिए हम लोग चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, घर को याद नहीं था, स्टेशन जा रहे हैं, स्टेशन जाए कहाँ जाएंगे, गेट ऑफ इंडिया। सो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं गेट ऑफ इंडिया और हम लोग कहाँ चपाती था ना भाई, चपाती जगह पे गए थे हम लोगों को भाई उतना खास मज़ा नहीं आया, इसलिए हम लोग सोचे कि भाई चलो चलते हैं अलग ही जगह पे। तो गाइस अभी जा रहे हैं वहाँ पर। फाइव से सिक्स मिनट तकरीबन हम लोग अभी पैदल ही चलने वाले हैं, उसके बाद से हम लोग स्टेशन चौंपेंगे, फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन से जाएंगे गेट ऑफ इंडिया। एंड गाइस चलते हैं, क्या ही सीन रहता है, क्या ही नज़ारा नहीं रहता है हम लोग इस वीडियो में रिवील करने वाले हैं। कितना और आगे चलना पड़ेगा मुझे खुद पता नहीं है भाई, और गाइस मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ अभी कितना और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर ना काफ़ी अजीब फीलिंग हो रही है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा पा और इसी के साथ हम लोग बाहर एंट्री कर दिए हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार, काफ़ी भीड़ रहता है। भाई गाड़ी गाइस ये कैसा रहेगा, इसको हम बाई करते हैं। चलो गाइस वो वाला निकाल दो भाई, बाइक बिक गया क्या, टाइम कितना हो गया भाई,
कौन लेगा? कैसे भी आए हैं, जूता लेने हैं ना, जूता चलिए हम लोग। अभी इसने जूता ले लिया और अब हम लोग चलेंगे बाहर। तो वैसे चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ। तो वैसे अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, इस साइड चलेंगे ना सामने की तरफ। अभी भी ले लिया है, इतना भी गया यार। अभी मार्केटिंग हो गया है, क्या हो गया भाई, जरा दिखा थोड़ा। लॉन्डन है, इतना ले लिया, तू क्या ले लिया भाई, उसका तो भाई पूछो ही मत। मेरे को भाई इसने कितना, भाई इसने उसने एक जूता लिया और इसने दो शॉर्ट ले, तीन लिया। और भाई इतने सी बस चीज़ लेने में इन लोगों ने पूरी 2 घंटे टाइम लगाया है, तो काफ़ी चिमकांडी गिरी वाली बात है। अभी हम लोग आ गए हैं पार्क, है ना? हाँ, पार्क में आ गए यार। इधर चलेगा तो वहाँ हम लोग जाएंगे तो भाई ज़्यादा टाइम लगेगा ना। अभी वहाँ हम लोग जाएंगे तो टाइम लगेगा ना। चलो भाई यार, तो अभी कुछ प्लानिंग चेंज हो गया है। एक्चुअली में वो क्या है ना कि हम लोग किधर भाई, उधर जाना है ना सामने की तरफ, तो हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग काम जो है उसके वजह से जा रहे हैं। लेकिन मेरा तो मन था भाई कि हम मस्त झूला है यार, एकदम नज़ारा अच्छा है, तो सोच रहे थे कि भाई थोड़ा इंजॉय करते हैं। लेकिन इन भाई साहब ने यार बोले तो कुछ भी कर दिए, तो भाई कोई बात नहीं है, हम लोग इन्हीं के मुताबिक आगे जाएंगे। एंड वीडियो में आप लोग बंद रहिएगा। अबे कितना मज़ा, वहाँ सामने भी मज़ा भाई, इसको अभी भी मज़ा लेना है, देख लो। मतलब इतना बड़ा मार्केट में गया था, इसको कुछ मिला ही नहीं, यहाँ पे बोल रहा है मेरे को मज़ा लेना है। और गाइस ये अंकल पता नहीं कहाँ गायब है, तो भाई तुम लोग ऐसा करो ना, चलो हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग इस साइड सामने की तरफ। एंड चलो हम लोग सामने की तरफ जाना है, किस साइड चलेंगे ना, आ जा भाई साहब। कितना पैदल चलाएगा, इस बात का गारंटी नहीं है यार। क्या यार, कितना रुकना पड़ेगा यहाँ यार, बहुत ज़्यादा वेट कर लिया ना हम लोग ऐसा करते हैं ना कि ऐसा एक काम करते हैं, सिग्नल लगने वाला है, हम लोग ले लेते हैं उस साइड, ठीक है। सो गाइस ये कुछ हम लोग जाने वाले हैं स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम बोले तो एक छोटा सा ग्राउंड है, उसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं, थोड़ा सा वहाँ 4 से 5 मिनट रहने वाले। और गाइस सबसे मेरे को अच्छी यहाँ की चीज़ लगी गाइस जो ये है आप लोग, और भाई ये खतरे से खेलने की आदत हमें नहीं है। सामने गाड़ी आ रही है और ऐसे ही बोल रहा है कि भाई इस साइड चल, मतलब इसको क्या बोलते हैं, मतलब सामने खाई हो और आपको दिख रही है उसमें कूद जाओ, ये ऐसी बात हो गई यार। तो काफ़ी चिमकांडी गिरी वाला ही बात है। और चलिए इन सब बातों को, नेक्स्ट डे हम लोग कहाँ जाने वाले हैं और हमारा टूर क्या रहेगा, इसके बारे में आप लोग वहाँ पर जाइएगा, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी रहेगा, वहाँ से आप लोग इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग का जो प्लानिंग होगा वो यूट्यूब पे आने से पहले आप लोगों को पता लग जाएगा अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो। सो गाइस अभी के लिए इतना, हम लोग चलते हैं स्टार्ट कर इस जगह, आगे से लग राइट फिर इधर साइड, अभी बहुत दूर चलना है यार। भाई इतना कौन दौड़ाता है यार, मतलब ज्यादा आगे नहीं जाना है, मिनिमम हम लोग आ ही गए हैं, बस यही जस्ट 2 या 3 मिनट लगेगा और बहुत देर से हम लोग चल रहे हैं। Yeah.
एंड गाइस ये है गेट ऑफ इंडिया का नजारा, काफी ज्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हो भाई कितना ज्यादा भीड़ है। हां तो वैसे देख लिया गाइस, लोग अंदर जा रहे हैं भाई, इसका तो मतलब हालत ही खराब हो गया है। फाइनली हम लोग आ गए हैं गेट ऑफ इंडिया और गाइस क्या ही बेहतरीन नज़ारा है भाई, भाई क्या ही नज़ारा है। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मैं तो ये बता दूं आप लोगों के सामने की तरफ कैमरा करने वाला हूं, खुद आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा भाई कितने ज़्यादा लोग हैं। और गाइस क्या बोले आप लोग ऐसा देख लीजिएगा, बेहतरीन नज़ारा है गाइस। इसके अंदर जाने पर तो और ही ज़्यादा मज़ा आएगा यार, कसम से बोल रहे हैं। और गाइस ये तो अनबिलीवेबल, और गाइस ये रहा गेट ऑफ इंडिया इन मुंबई, और सामने की तरफ ताज होटल। अभी हम लोग हैं गेट ऑफ इंडिया के पास और गाइस यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही है, क्या बोले, मतलब आने के बाद बहुत ही मज़ा आया यार। आप लोग भी आना चाहते हो आओ भाई, इंटरटेनमेंट करो यार, मज़े से यार, कसम से बोल रहे हैं, मेरे को तो मैं कसम से बोल रहा हूँ भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सामने की तरफ गेट ऑफ इंडिया यार, और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, बट ज़्यादा देर तक हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम लोग भी जाना भी है। तो तकरीबन यहाँ हम लोग 10 से 15 मिनट रहेंगे और फिर चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी दिखाना था इसलिए वीडियो भी करना बहुत जरूरी है। और वीडियो भी आप लोग मिलना है, आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ ताजा होटल है जो काफ़ी देखने में बेहतरीन नज़ारा है। गाइस ये रहा यार, इतना रात हो गए फिर भी नाव पे हो भाई, चिमकांडीगिरी वाली बात है यार, ये तो इतना मस्ती करेंगे यार, ये कितना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं और भाई साहब इधर एंट्री हो रही है। और भाई वो देखो बड़ी वाली नाव, मतलब कुछ भी रात में घुमाने लेके जा रहा है वो, माय गॉड भाई कितना ज़्यादा नाव है यार। गाइस अभी क्या है ना, अंधेर हो गया है, अंधेर के वजह से सामने की तरफ बहुत ज़्यादा नाव है, जितना दिख रहा है ना आप लोग समझ रहे हैं पानी में घर होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, वो सब नाव है जैसे यहाँ पे। एंड गाइस क्या ही नज़ारा है, एक बार वापस से नज़ारा को मैं रिप्लेस करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये तो मेरे को बेहतरीन लगा, काफ़ी बेहतरीन ये लगा। और सामने की तरफ इसके ताज होटल के सामने की तरफ एक चांद, ओ भाई मतलब काफ़ी अजीब। एंड गाइस यार वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।